रेडमी साथ दी। मैं पेशावर आया था यहाँ पे, तो वहां भी यही मसला बताया गया, बल्कि हर एक को हमने सुना, रेडी को सुना, डीआरओ को सुना, आरओ को सुना, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, सबको जितने जितने मसले हर स्टेक होल्डर ने बताए वो हमने लिखे वहां पे बाकायदा उस रिपोर्ट में। और उस रिपोर्ट में हम खवातीन के हवाले से यहां तक गए हैं कि जो पार्टी रजिस्टर्ड होती है 2000 मेंबर की लिस्ट हम लेते हैं उनसे। अगर आप पार्टी रजिस्टर करा रहे हैं तो उसमें हमने आपसे एक लिस्ट लेना है 2000 मेंबरों का। 2015 के सारे इलेक्शन पंजाब के, केपी के, बलूचिस्तान के और सिंध के, तो वो दोनों इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट थे कि फर्स्ट टाइम इस तरह होगा। और लकी पंजाब मुझे ट्रांसफर किया गया तो वहाँ बहावलपुर डिवीजन में पंजाब का सेटअप मैंने करी चेक देखा वहाँ पे बतौर एडीआर, और फिर यहाँ मैं केपी में आ गया। यहाँ मेरी कोचिंग रही, उस मकाम तक तो शायद अभी नहीं पहुँचा लेकिन चल रहा है। तो ये जो अभी हमारा मरहला है, मैं ज़्यादा बात इसके लंबी नहीं करूँगा कि मैडम मेघर जो है हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल जेंडर अफेयर्स, तो सारे जेंडर अफेयर्स को जो सब कुछ पूरे चारों सूबों इस्लामाबाद में हो रहा है, प्रपोजल फ्रॉम पब्लिक, तो उसकी तमाम जिलों में हमने एप्लीकेशन कर दी है और अब पब्लिक उसको विजिट कर रही है। पब्लिक के पास 18 सितंबर से 2 अक्टूबर का टाइम है कॉन्स्टिट्यूशनली रूल्स के मुताबिक कि वो अपने ऑब्जेक्शन मुतलका जिले में, मुतलका डिवीजन में जो डिलिमिटेशन अथॉरिटी मुकर की गई इलेक्शन कमीशन ने, वो डिविजनल हमारा जो ऑफिसर है, हेड है, वो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर उसको कहते हैं, तो वो जो उसके खिलाफ जा रहा है या उसका एज अ बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस हमने SOPs बनाई कि अगर इलेक्शन हो गया ड्यूरिंग कोविड तो हमें क्या करना, उसके भी पूरे हमारे सूबाई उधर से भी लेके और जहाँ से रिप्रेजेंटेशन और तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने बैठ के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन जो है कि जैसे DRO RO क्या करेंगे, उनके क्या SOPs होनी चाहिए अगर कोविड का इलेक्शन हो गया, बल्क ब्रेकिंग कैसे होगी, इलेक्शन डे पे क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वोटर का क्या SOPs होंगी, सिक्योरिटी पर्सनल की, यानी कि तमाम हमारी जो स्टेजेस हैं उनके ऊपर हमने कोविड के लिए एक लेयर डाली SOPs। माशाल्लाह अभी वो हमारी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द रीजन है। इस वक्त बोरी वेबिनार्स में हमने जब बताया कि हम ये कर रहे हैं तो बाकी रीजन जो हमारा इधर का है 60, उन्होंने अभी तक ये नहीं किया था, तो दे फॉलो आर SOPs के लिए आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बाकी जगह भी हो रहा था पर इधर नहीं हो रहा। सो आई थिंक ये अगर 40% वोटर टर्न आउट और एरिया पे आपका एरिया ऑफ आर इंटरेस्ट, जिनसे हमने पूछा नेक्स्ट वीक तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट करके वी शेयर इट। से इजाजत चाहेंगे सर, और एक और मीटिंग है उसमें مروت صاحب جو کل بورن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کرتے ہیں کہ انفارمیشن مختصر کرتے ہیں پورا معاملہ اور ایڈریس کریں۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اس کام کے خون میں یہ پہلا میٹنگ ہے جو آپ لوگوں نے لگا تھا ہماری، کیونکہ ریسنٹلی آپ شفٹ ہوئے ہیں لوکل بورن میں۔ 2018 ہمارے لیے اس لیے کہ ہم پہلی دفعہ، اور بہت سارے کام اس میں ایسے تھے کہ ہم پہلی دفعہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ بیلٹ پیپر مارک کیسے کرنا، لیکن اگر یہ کام نہیں ہوا فیلڈ میں تو اس میں پھر بہت سارے ووٹ، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو انہوں نے مارک کیسے کرنا ہے ووٹ ریجیکٹ ہو۔ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اب ہم نے کرنا ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، جو مسئلے مسائل ہمارے لیے اپنے کی وجہ سے کسی سے باقی رہیں گے، لوکل گورنمنٹ کوئی پہ نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن بالکل تیار ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے، ہماری باقاعدہ ہر چیز میں تیار۔ پارٹی کے لیے پیغام چیف صاحب کا یہ ہے کہ آپ کی تیاری کی ہمیں خبر دیں کہ کیا آپ عوام کو تیار کر رہے ہیں، کیا آپ بیلٹ پیپر پہ مارک کیسے کرنا ہے، آپ کی طرف سے یہ اویئرنیس جیسے
इलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी इस पर जब बात की तो वो कह रहे थे कि हमारे वोटर्स, चूंकि ये मार्जिनलाइज ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, इनके वोट बहुत मैटर करता है। इनकी जितनी तादाद पेशावर में मौजूद है उतनी रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड क्यों नहीं है वो हमने बीइंग अ सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले किया, हमने थोड़ी रिसर्च की, इन पे काम किया, हमें पता चला कि इलेक्शन में इतनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी नहीं थे। मुताबिक उसमें किसी मेडिकल टेस्ट या किसी किस्म की चीज की शक रखी नहीं गई। मतलब उसमें ये है कि अगर एक बंदा कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्वेश्चन ही खत्म होगा। अपनी रिप्रेजेंटेशन को बताइए, कानून में आप उसको नहीं जज कर सकते। दिस पुट दिस साइकोलॉजिकली, आप साइकोलॉजिकली उसका मेडिकल कैसे लेंगे? बस वो जो चाहता है ना अपने आप को जिस तरह कहलाना वो लिमिटेशन हमने लोगों के लिए पब्लिश कर दिया है, उस पर इतना सजेशन वगैरह आ रहे हैं। इसके बाद फिर डिलिमिटेशन अथॉरिटी हमने अपॉइंट किए, जो हमारे रीजनल इलेक्शन कमीशन है, हर डिवीजन का रीजनल इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन अथॉरिटी है। ये सारी अपीलें वो डिसाइड करेगा, और उसके बाद फिर डीसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास भेज कर वो इनकॉर्पोरेट करेगा इसमें, और उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट फाइनल डिलिमिटेशन हम पब्लिश करेंगे। फिर कब तक इम्कान है कि ये कोरोना मुकम्मल होने के बाद तारीख का ऐलान किया जा सके? तारीख का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बल्कि इलेक्शन कमीशन मरदान चार सद्दा बनू मान से बनू तक आता है, और अभी जो